द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ के स्वाध्याय में जीव के 9 अधिकारों की चर्चा चल रही है। सबसे पहले मंगलाचरण में जीव मजीवम दब्बम जिनवर वसेहेन जीर्ण निदिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा, अर्थात मैं वृषभ देव स्वामी को नमस्कार करके जीव और अजीव इन दो द्रव्यों की व्याख्या करूंगा, इनको समझाऊंगा। और उनको समझाने के लिए सबसे पहला जो द्रव्य था जीव, उस जीव के लिए 9 अधिकार उन्होंने रखे। जीवो भोग मवो अमुद्धिकत्ता सदेह परिमाणो भोत्ता संसारत्तो सिद्धो सो विशेषो गई। अब यहाँ पर क्रमानुसार सदेह परिमाण की चर्चा के बाद में यहाँ पर जीव का जो भोक्तृत्व है, जीव भोगने वाला है, भोक्तृत्व का मतलब होता है भोगने वाला। आप किसको भोगने वाले हैं, कौन किसको भोगता है, भोगने का मतलब होता है इंद्रियों का विषय। जैसे रसना इंद्री का विषय रस होता है, ग्राण इंद्री का विषय सुगंध होती है, चक्षु इंद्री का विषय वर्ण होता है और कर्ण इंद्री का विषय शब्द होता है। तो ऐसे ही जो इंद्रियों के विषय हैं, उनको जो प्राप्त करता है वे उन्हीं का भोक्ता हो जाता है, प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर उसी भोक्तृत्व अधिकार की चर्चा आपके बीच में प्रारंभ है। और प्रारंभ होते हुए आचार्य भगवंत जीव का भोक्तृत्व किस प्रकार का है, किसका भोगने वाला है, अब यहाँ पर जो एक पक्षीय बात करते हैं और वे अपनी धुन अपना राग अलग प्रकार का गाते रहते हैं, उनको द्रव्य संग्रह की ये 9वीं गाथा का स्मरण अच्छे से कर लेना चाहिए। ये तो मैंने आपको प्रारंभ में ही कह रखा है कि द्रव्य संग्रह का जो जीव अधिकार में 9 अधिकारों संबंधी चर्चा है उसकी व्याख्या पहले पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उसके बाद फिर समय सार आदि महान ग्रंथों का स्वाध्याय निष्पक्ष करना चाहिए। माँ जिनवाणी हमें राग देश करना नहीं सिखाती है, माँ जिनवाणी तो हमें राग देश के आगे राग देश की जो परिणतियां चल रही हैं, उन राग देश की परिणति से ही कर्मों का आश्रम होता है, अध्यवसाय होता है। तो अध्यवसाय यदि हमारा हो रहा है स्वाध्याय के माध्यम से, और स्वाध्याय का फल है अध्यवसाय को रोकना, तो अध्यवसाय को रोकने के लिए स्वाध्याय है। और तो स्वाध्याय के माध्यम से यदि हमारी परिणति राग देश की हो रही है तो ध्यान रखना स्वाध्याय में कोई कमी नहीं है, ग्रंथ की विशालता है, लेकिन हमारे अंदर जो कमी है, हमारा जो कर्मों का आवरण है, उसके कारण हम उसके जिनवाणी के माध्यम से राग देश को घटाना चाहिए, लेकिन हम राग देश ही करने लगते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं व्यवहारा शुभ दुःखम पुगलकम फलम पवुंजेदी आदानिचेने दो चेदन भावम कुआदसे व्यवहारा सुख दुःखम पुगलकम फलम पवुंजेदी आदानिचेने दो चेदन भावम कुआदसे। देखिए ये जीव व्यवहारा, व्यवहार ने से आदा माने आत्मा, यह जीव पुक्कल कम्म फलम
खुदगल कर्मों का फल। देखो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, एक एक शब्दों की गहराई में जाना कि पुद्गल कर्म फलम, जो पुद्गल कर्मों का फल है। ध्यान रखना, ज्ञाना वर्णादिक आठ कर्मों का जो फल है, वो फल संसार में रहने वाले जीवों को ही प्राप्त होता है, सिद्ध अवस्था में रहने वालों को नहीं। तो पुद्गल कर्म फलम, पुद्गल कर्मों का जो फल है, भाई क्या फल है? कहते सुख दुखम, सुख रूप और दुख रूप, अर्थात पुण्य वाले कर्मों का फल पुण्य रूप मिलता है और पाप रूप कर्मों का फल पाप रूप मिलता है। माने पुण्य और पाप ये दोनों जो है वो पुद्गल कर्मों का फल है। हमने जिन कर्मों को बांधा है, हमने जिन कर्मों का संग्रह किया है, उन्हीं कर्मों का फल आज हमें और आपको प्राप्त हो रहा है सुख और दुख के रूप में। तो व्यवहार से आधा माने आत्मा, पुद्गल कर्म फलम, पुद्गल कर्मों का जो फल है सुख दुखम, सुख और दुख रूप जो पुद्गल कर्मों का फल है उसको पवुंजेदी, उनको भोगता है। अब इसी बात पर विचार करना, आगे की गाथा बाद में आएगी कि पुद्गल कर्मों का फल ये जीव जो सुख और दुख रूप है उनको भोगता है। आज आपको संसार में रहते हुए सुख सामग्री प्राप्त हुई है, तो जो सुख सामग्री आपको प्राप्त हुई है वो कैसे प्राप्त हुई है? वह आपके पुण्य के फल से आपको प्राप्त हुई है। लेकिन आज जो सामग्री आपको प्राप्त हुई है और उस पुण्य के फल में आप रचे पचे हैं और आगे भी अगर रचे पचे रहेंगे तो पुण्य आपका क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वर्तमान में पुण्य का फल आपको प्राप्त हो रहा है और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य पाकर यदि आप पुण्य की वृद्धि करते रहेंगे तो कल फिर आपको प्राप्त होगा। परंतु कुछ लोग अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि पुण्य से संसार मिलता है, पुण्य से संसार बढ़ता है। अरे भैया, पुण्य से संसार मिलता है, पुण्य से संसार बढ़ता है और पुण्य के फल जो वज्र वृषभ नारा सैनन आदि है, तीर्थंकर प्रकृति है, इनसे कर्मों का क्षय भी होता है। कर्मों से ही कर्मों का क्षय होगा, ध्यान रखिए। लकड़ी ही उस पेड़ को काटती है। अब आप कहेंगे लकड़ी पेड़ को कैसे काटेगी? लकड़ी लकड़ी को काटती है, लकड़ी ही कुल्हाड़ी का साथ देती है और लकड़ी जब कुल्हाड़ी का साथ देती है तो कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है। तो ऐसे ही जो हमारे कर्म है, जो अच्छे कर्म है, वे अच्छे कर्म ही हमें संसार काटने के लिए समर्थ है। आज हमारे अशुभ कर्म का उदय चलेगा, हम नरक और निगोद की यात्रा करेंगे। यदि हमारे अच्छे कर्मों का उदय चलेगा, अच्छे कर्म हम करेंगे, क्योंकि वर्तमान में आज कर्मों का क्षय होना नहीं है। लेकिन आज वर्तमान में कर्मों का क्षय नहीं होना है, लेकिन पुण्य कर्मों का बंध संयम के माध्यम से होगा। आज कर्मों का क्षय नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें संयमित नहीं होना है, हमें मुनि अवस्था धारण नहीं करनी है। हमें मुनि भी बनना है, हमें संयमित भी होना है और अपना जीवन संयम में बनाना है। संयम में आज का जीवन, कल का उज्जवल भविष्य हमारा रहेगा जो हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए बंधुओं, पुण्य के फल में अटकना नहीं,
पुण्य के फल में रुकना नहीं, लेकिन पुण्य करना छोड़ना नहीं। क्योंकि आज वर्तमान में यदि आप पुण्य करना छोड़ दोगे तो इसका मतलब ये है कि आज कर्मों का क्षय होना है तो आप कर्मों को क्षय कर देंगे। लेकिन जब आज कर्मों का क्षय होना ही नहीं है और आप पुण्य का अर्जन करना छोड़ दोगे तो नियम से पाप का ही अर्जन होगा, और पाप का अर्जन होगा तो आपको नरक निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी। और नरक और निगोद की यात्रा से यदि आपको बचना है, आपको अच्छे स्थान की प्राप्ति करना है, तो वर्तमान में देव शास्त्र गुरु का अवलंबन आपको लेना बहुत जरूरी है। बिना देव शास्त्र गुरु के अवलंबन के आपका जीवन कभी व्यवस्थित होने वाला नहीं है। अंत अवस्था तक देव शास्त्र गुरु आपके सहायक हैं, और देव शास्त्र गुरु के अवलंबन से अशुभ कर्मों का क्षय होता है और शुभ कर्मों का बंद होता है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुक्कल कम्म फलम पवुंजेदी, यह जीव उद्गल कर्मों का फल जो सुख और दुख हैं उनका पवुंजेदी माने भोगता है। लेकिन विवक्षा है, ध्यान रखना, आज लोग बिना विवक्षा के कथन करते हैं, आज न्याय को गौण कर देते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कथन करते हैं। लेकिन आचार्य नेमिचंद महाराज कह रहे हैं कि भैया व्यवहारा व्यवहार न्याय से आधा ये आत्मा अपने पुद्गल कर्मों का फल जो सुख और दुख इसको प्राप्त होता है उस कर्मों का भोगता है। अब विचार करना, एक साथ दो बच्चे जन्म लेते हैं, एक साथ दोनों बच्चे गर्भ में आते हैं, और एक साथ दोनों आने के बाद में उनका पुण्य और पाप शुरू से ही चालू हो जाता है। क्योंकि दोनों जीवों ने अपने अपने हिसाब से कर्मों का बंद कर रखा है, दोनों को अपने अपने हिसाब से कर्मों का फल प्राप्त होगा। जिस समय दोनों का आगमन हुआ है, आते समय दोनों की आयु एक है, और दोनों आए हुए हैं, और दोनों के शरीर की वृद्धि गर्भ में रहते हुए एक साथ वृद्धि को प्राप्त हो रही है, और ऐसी वृद्धि को प्राप्त होते हुए वे बढ़ जाते हैं और माँ के गर्भ स्थान में 9 महीने व्यतीत कर देते हैं, और 9 महीने व्यतीत करने के बाद जब संसार की बाहरी दुनिया में वो आते हैं उसी समय से उनके पुण्य पाप का फल दिखना चालू हो जाता है। डॉक्टरों के हाथ में जो सर्वप्रथम आ जाता है उसको वो बड़ू कह देते हैं, उसको वो बड़ा कह देते हैं, और 2 मिनट बाद जब दूसरा जब हाथ में आता है तो उसको वो छोटू कहने लगते हैं, छोटा कहने लगते हैं। अब इस विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, माँ के गर्भ में दोनों एक साथ आए हैं, और माँ के गर्भ में एक साथ आने के बाद 9 महीने दोनों का एक साथ बढ़ना हुआ है, और दोनों का एक साथ जन्म हो रहा है, और एक साथ जन्म होने के बाद भी पहले डॉक्टरों के हाथ में आ गया उसका नाम बड़ा, और दोबारा जो हाथ में आया वह छोटा बन गया। एक मंच पर आचार्य भगवंत 58 दीक्षाएं देते हैं, 25 दीक्षाएं देते हैं, और 58, 25 आदि 23 आदि दीक्षाएं देने के बाद दीक्षार्थी एक नंबर का कहलाता है, और एक दीक्षार्थी
23वें नंबर का कहलाता है, 25वें नंबर का कहलाता है और 58वें नंबर का कहलाता है। अब विचार करना, चिंतन करना, एक साथ एक मंच पर एक आचार भगवंत के द्वारा दीक्षा होने के बाद भी, एक मंच पर एक साथ दीक्षा होने के बाद भी एक एक नंबर का है और 23 दीक्षा हुई है तो एक 23वें नंबर का है, 25 दीक्षा हुई है तो एक एक नंबर का है और एक 25 नंबर का है, और 58 दीक्षाएं हुई है तो एक एक नंबर का है और एक 58 नंबर का है। तो यही पुण्य पाप की कहानी हमें दर्शाती है कि जिनके पुण्य के परमाणु अच्छे होते हैं, घर में दो बहुएं रहती हैं और दोनों बहुओं की कार्य करने की शैली अलग अलग होती है, एक ज्यादा काम करती है और एक कम काम करती है, लेकिन जो ज्यादा काम करती है जब सास की नजर पड़ती है तो वो खाली बैठी हुई नजर आती है, और जो कम काम करती है सास की नजर जब उस तरफ जाती है तो वो काम करती हुई दिखती है। हमेशा सास यही कहती है कि ये बहुत काम करती है और ये करती नहीं है। अब इसमें उसका पुण्य पाप समझना कि जो हमेशा काम करती थी और जिस समय थोड़ा सा आराम करती थी सास, उसी समय उसको देखती थी कि ये फालतू बैठी हुई है, और जो फालतू बैठी रहती थी वह काम करती नजर आती है तो उसकी वो तारीफ करती थी कि ये बहुत अच्छी है। बस यही दोनों के पुण्य पाप में अंतर है। तो हमें पुण्य पाप के अंतर को समझना है। आज हम और आप देव शास्त्र गुरु के पावन सानिध्य को प्राप्त हुए हैं, आज हमें और आपको देव शास्त्र गुरु मिले हैं, तो नियम से हमने कोई ना कोई पुण्य का अर्जन किया है। पंडित प्रवर दौलत राम जी छह डाला में कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ये त्रिभुवन में, ये संसार में अनंत जीव हैं और वे अनंत जीव जो हैं वे सारे के सारे अनंत जीव सुख चाहते हैं और दुख से भयवंत हैं। अब विचार ये करना है, चिंतन ये करना है, इस भारत की आबादी की तरफ थोड़ा सा हमें अपनी दृष्टि लगाना है, और इस भारत की आबादी जो है हमारे बीच में है वो 1,35,00,000,000 है। अब यहाँ पर 1,35,00,000,000 की जो भारत की आबादी है, उस आबादी में अगर हम और आप गिनती करें कि जैनी भाई कितने हैं, तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों की परिगणना कर ली जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1,00,00,000 मिलेंगे। अब जैनी भाइयों की संख्या 1,00,00,000 है और 1,00,00,000 में भी आधे श्वेतांबर और आधे दिगंबर हैं। अब 50,00,000 दिगंबर और 50,00,000 श्वेतांबर हैं। अगर आप 1,35,00,000,000 आप प्रतिशत निकालेंगे अपना तो आप आधे प्रतिशत कहलाएं। अब जहां पर 1,35,00,000,000 की आबादी में आपकी जनसंख्या केवल 50,00,000 है, यानी कि आधे प्रतिशत है। अभी आपने मोदी जी का विस्तार देखा, उन्होंने लोकसभा के सदस्यों को मंत्री पद दिया। अब मंत्री पद देने के बाद आपने देखा होगा सारे के सारे गुणा भाग, सारे के सारे समीकरण करने के बाद में आपको उन नामों में एक भी जैन नहीं मिला होगा, एक भी जैन का नाम नहीं आया।
और उसके पहले भी जितने सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, उनमें भी कोई एक भी जैनी नहीं है। इसका मेन कारण क्या है? एक समय था जिस समय जैनियों की भरमार हुआ करती थी और आज जैनी नहीं है। इसका मूल कारण यही है कि जैन अपनी संगठन शक्ति को गमा बैठे हैं। जैन भाई आपस में लड़वा लीजिए। आज दिगंबर जैन समाज के लोग दिगंबर और श्वेतांबर के नाम से लड़ रहे हैं, दिगंबर अवस्था में 20 और 13 के नाम से लड़ रहे हैं, और दिगंबर अवस्था में रहने वाले कोई मां जिनवाणी को मान रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, परंतु गुरुओं को नहीं मान रहे हैं। माने हमारी जो शक्तियां हैं वो हम कम करते चले जा रहे हैं, और राजनीति माहौल में सामने वाले को वोट चाहिए, सामने वाले को प्रतिशत चाहिए। आप इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स यदि कोई जमा करता है तो वह जैन समाज जमा करती है, और आज साक्षरता के नाम पर सबसे ज्यादा यदि कोई प्रतिशत में आता है तो वो जैन समाज का व्यक्ति आता है जो साक्षरता के क्षेत्र में अग्रणी है। लेकिन अहिंसा धर्म को मानने वाले, परस्पर उपद्रव जीवा नाम जियो और जीनो दे को संदेश देने वाले जीव आज आपस में तो लड़ते हैं, आपस में लड़कर अपनी शक्ति को खोते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कोई भी नहीं लड़ता। अपना अस्तित्व, जैन धर्म का अस्तित्व को बचाने के लिए हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं, और उसी का ये कारण है कि आज पूरे सांसद में आपका कोई भी एक जैन नहीं है। गिरनार जी चले जाइए सिद्ध क्षेत्र पर, जहां से नेमिनाथ भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ है, और इतनी गजब का स्थान, और आपके हमारे देखते देखते उस पांचवीं टोंक पर नेमिनाथ भगवान के चरण बंद हैं, नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन बंद हैं, और नेमिनाथ भगवान के चरण प्रतिमा के ऊपर स्लिप डाल के दत्तात्रेय की प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई है। लेकिन हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। आवाज नहीं पहुंचने का मूल कारण है कि हमारे वोटों में दम नहीं, हमारी जनसंख्या कम है, और जनसंख्या कम होने के बाद भी हम आपस में बटे हुए हैं, एक रूप में नहीं है। अन्य कोई होता, अन्य किसी का मंदिर होता तो वहां पर इतनी सहजता से वे दत्तात्रेय भगवान बैठने वाले नहीं थे। आप जाते हैं, मंदिर आपका, भगवान आपके, नेमिनाथ भगवान की वो तपस्या स्थली आपकी, लेकिन वो नेमिनाथ भगवान की पांचवी टोंक पर रहते हुए आप नेमिनाथ भगवान की जय नहीं कर सकते हैं, जयकारा नहीं लगा सकते। सोचना, विचार करना, चिंतन करना, नेमिनाथ भगवान केवल आप सामने दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जहां से नेमिनाथ भगवान को मुक्ति की प्राप्ति हुई है वहां पर जाकर आप नेमिनाथ भगवान की जाप भी नहीं कर सकते हैं। आज गिरनार जी क्षेत्र पर केवल प्रथम टोंक तक आपका अस्तित्व है, वही ऐसा लगता है कि आपका मंदिर है, आपका कुछ है। दूसरी और तीसरी टोंक के आसपास तो लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, अपने अपने झंडे गाड़ रखे हैं, लेकिन ले देखे चौथी टोंक पर जाने के साधन नहीं है, इसलिए चौथी टोंक आपकी सुरक्षित है। नहीं तो चौथी टोंक पर भी वो अपने झंडे गाड़ देते हैं, और पांचवीं टोंक पर तो उनका कब्जा पूरी तरह से हो ही गया है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हम अपने अस्तित्व को खोते चले जा रहे हैं।
आचार्य भगवंत कहते हैं भैया आपस में मत लड़िए, मां जिनवाणी के माध्यम से आप कर्मों का क्षय करने की कोशिश कीजिए। राग देश की जो परिणतियां आपके अंदर हो रही हैं, उन राग देश की परिणतियों को कम करने की कोशिश कीजिए। अगर मां जिनवाणी के आश्रय से आपके राग देश की परिणति बढ़ती है तो मां जिनवाणी के स्वाध्याय में कहीं कोई कमी नहीं है। ध्यान रखना, कमी आपके अंदर है कि मां जिनवाणी के बाद भी आपके अंदर राग देश हो रहा है। समय सार जैसे महान ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद यदि आपकी राग देश की परिणतियां चलती हैं तो सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद महाराज कहते हैं कि भैया ये आत्मा व्यवहार न से पुग्गल कम्ब फलम पवन जेदी, व्यवहार न से ये आत्मा पुद्गल कर्मों के फल जो सुख और दुख हैं उनका भोगता है, उनको भोगने वाला है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि एक साथ गर्भ में आने वाले दो जीव, वहीं से उनका पुण्य पाप प्रारंभ हो जाता है कि एक बड़ा हो जाता है और एक छोटा हो जाता है, और छोटा होता हुआ उसका भविष्य भी आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से बढ़ता है। और एक राज दरबार में रहकर राज करता है और एक लोहा पीटने वाले के यहाँ पहुंच जाता है। अब चिंतन करो, विचार करो कि दोनों एक साथ गर्भ में आए, एक राज अवस्था में बैठा हुआ है, राजकुमार बना बैठा है, और एक लोहा पीटने वाले के यहाँ लोहा पीट रहा है। बस यही पुण्य और पाप है, और इस पुण्य पाप के खेल को जो समझता है और समझने के बाद में पुण्य का अर्जन करके पापों का क्षय करता है और पुण्य करते हुए पुण्य के कार्य में रुकना नहीं है, पुण्य का कार्य करते हुए ही उसको सर्वश्रेष्ठ नहीं मान लेना है, लेकिन पुण्य करना छोड़ना नहीं है। पुण्य करना छोड़ दोगे तो आज वर्तमान में पाप के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए पुण्य करने का साधन देव शास्त्र गुरु हैं। इन देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमेशा प्राप्त करते रहें, देव शास्त्र गुरु का अवलंबन हमेशा लेते रहें, और अपने अंदर बैठा हुआ जो राग द्वेष विकारी भाव है उनको प्रत्यक्ष करने की कोशिश करें, अलग करने की कोशिश करें। स्वाध्याय करने के बाद अगर हमारे अंदर शांत रस नहीं आता है, हमारे परिणामों की विशुद्धि नहीं बढ़ती है, तो ध्यान रखना गलती हमारी है, खुद की, मां जिनवाणी की नहीं। तो आचार्य भगवंत आपको बड़े आराम से कह रहे हैं, समझा रहे हैं, भैया व्यवहारा सु दुखम विवक्षा, व्यवहार नय को गौण नहीं कर रहे हैं, व्यवहार नय का अभाव नहीं कर रहे हैं। जिस नय की जिस समय मुख्यता होती है उस विवक्षा के अनुसार उसकी मुख्यता से कथन करना चाहिए, और जब उसकी विवक्षा नहीं होती, मुख्यता नहीं होती है, तो उसको गौणता के अनुसार कथन करना चाहिए। तो यहाँ पर व्यवहार माने व्यवहार नहीं से, आधा माने आत्मा, पुद्गल कर्म फलम पवन जेदी, पुद्गल कर्मों का फल जो सुख और दुख है उन पुद्गल कर्मों का फल सुख और दुख को पवन जेदी माने भोगने वाला है। लेकिन निश्चय ने दो, ये व्यवहार की चर्चा हो गई, परंतु निश्चय ने दो, निश्चय ने से ये जीव आदस्य चेतन भावम भुक्ता, आत्मा के जो चेतन भाव हैं, अब ध्यान रखना, फिर आत्मा के चेतन भाव का मतलब है कि चेतन भाव, अब चेतन भाव भी दो प्रकार के होंगे, आत्मा के अंदर उठने वाले जो भाव हैं किसी दूसरे के अंदर नहीं उठेंगे,
लेकिन आत्मा के जो चैतन्य भाव है अर्थात विकारी परिणत से रहते हैं, कसायों की परिणति से रहते हैं, जिसके अंदर कोई विकार भाव नहीं है, ऐसे 12वें गुण स्थान में जिसने मोहिनी कर्म को छीन कर दिया है, 13वें गुण स्थान में रहने वाले जिन जीवों ने कर्मों का क्षय कर दिया है, और 14वें गुण स्थान में रहते हुए जो अंतिम पड़ाव में बैठा हुआ है, और उसके बाद में सिद्ध अवस्था को जो प्राप्त होने वाला है, ऐसा जीव निश्चय ने दो, माने निश्चय ने से चेतन भावम, चेतना का जो भाव है, चेतन के जो भाव हैं, ऐसी आत्मा के चेतन्य भाव का करता है। अर्थात चेतन्य भाव का मतलब है ज्ञान और दर्शन का भोगता है, जो पवन जेदी माने भोगने वाला है। अर्थात जीव के जो ज्ञान गुण है, जीव के जो दर्शन गुण है, उन ज्ञान दर्शन ही जो चेतन से संबंधित है, चेतना जिसमें पाई जाती है या चेतना से जो युक्त है, और चेतन के अलावा जो अन्य किसी में नहीं पाया जाता है, ऐसे चेतन भावों का ये भोक्ता पवन जेदी अर्थात भोगने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। तो बंधुओं, ये जीव का भोक्तृत्व अधिकार आपके बीच में बताया जा रहा है, और जो समय सागर जैसे महान ग्रंथों को आप पढ़ोगे, उन समय सार जैसे महान ग्रंथों में विवक्षा से कथन किया गया है, और लेकिन समझने और समझाने वाले जीव उस विवक्षा से समझाते नहीं, और सामने वाला विवक्षा से समझता नहीं। इसीलिए आज राग देश की परिणति हमारे और आपके अंदर मौजूद है। तो इस गाथा के भाव को समझिए, और पंडित प्रवर दौलत राम जी जो छह डाला में कहते हैं, पुण्य पाप फल माही हरक बिल को मतवाई। हे बंधु, पुण्य के फल में हंसना नहीं चाहिए और पाप के फल में रोना नहीं चाहिए, और पुण्य और पाप के फल को समझकर वस्तु की सही विवेचना करना चाहिए, सही मार्ग का अवलोकन करना चाहिए, और जो सही अवलोकन करने वाला जीव है, पुद्गल कर्म फलम पवन जेरी, पुद्गल कर्मों का फल जो सुख और दुख रहता है, व्यवहार नए से वह उसका भोगता है, भोगने वाला है। और निश्चय ने दो, निश्चय ने से आदर्श चेतन भावम, आत्मा के जो चैतन्य भाव है, चैतन्य भाव का मतलब है चेतन के अलावा अन्य किसी द्रव्य में वो सामग्री नहीं पाई जाती, पुद्गल में नहीं, धर्म में नहीं, अधर्म में नहीं, आकाश में नहीं, काल में नहीं, माने पांच द्रव्यों से हटकर केवल एक जीव तत्व आत्मा में जो ज्ञान और दर्शन की परिणति है, केवल उसका ही भोगता है, अन्य किसी का भोगता नहीं। तो बंधुओं, ये जीव के भोक्तृत्व अधिकार की चर्चा आपके बीच में आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद महाराज ने कही, व्यवहारा सुख दुखम, व्यवहार ने से ये जीव सुख और दुख, जो कम्मप पुद्गल कम्मप फलम पवन जेदी, पुद्गल कर्मों का फल जो सुख और दुख है, उसको पवन जेदी माने भोगता है, और आत्मा आदा माने आत्मा आदर्श है, आत्मा के जो चैतन्य भाव हैं, उनको निश्चय ने दो पवन जेदी, उनको निश्चय ने से भोगता है, भोगने वाला है। तो ये द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा का भाव, जीवो उपभोग मो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो
भोक्ता संसार तो सिद्धो सो विश्व सो डिग गई। तो भोक्ता का अधिकार आपके बीच में चल रहा है और कर्म का भोक्तृत्व अधिकार पर आपके इस गाथा को स्मरण रखना है, चिंतन में लाना है कि भैया उद्गल कर्मों का फल सुख और दुख रूप जो हमको प्राप्त हुआ है हो रहा है उसके कर्मों के फल को हम ही भोगेंगे, कोई और नहीं, हम ही को भोगना है। और इस भोक्तृत्व अधिकार की चर्चा कल और आपके बीच में करेंगे। अनेक दृष्टांत और अनेक प्रसंग इस गाथा से संबंधित आपके बीच में आएंगे। वह नेमिनाथ भगवान का प्रसंग भी आपके बीच में आएगा, वह राजुल का